आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल बी एस नेशन। दोस्तों, सावन के महीने में हर वर्ष की भांति संस्कार भारती प्रतिष्ठान ने इस बार भी कजरी महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा पहुंचे, जो कि राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इनके अलावा कई गणमान्य व्यक्ति इस प्रोग्राम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में गायन का जो हुनर दिखाया वो थी संजोली पांडे, जिन्होंने कजरी के गीत गा के भजन गा के लोगों का इस मौके पर बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी न जाने कितने ऋषि मुनि कितने तपस्वी इस दिन का इंतजार करते करते चले गए कि राम लला मंदिर में आएंगे। किरस्ते भर रो रो कर पूछा हमसे पांव के छालों ने, रस्ते भर रो रो कर पूछा हमसे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। मैं मुंबई के दूसरे छोर से आ रहा हूँ, चर्चगेट से, और स्वाभाविक है जैसे दूसरे लोगों ने अपना पीछा छुड़ाया, मैं नहीं छुड़ा सकता था, इसलिए मुझे आना ही था, तो मैं ट्रेन से। बहनों भाइयों, कजरी महोत्सव के इस मंच पर प्रज्ञाताई पाटिल, अंशु शर्मा जी, मेरे साथी किरण भोई जी, रीता शुक्ला जी, महेश शरवणकर ने मंडल अध्यक्ष हैं, महेंद्र जोशी जी, रंजीना मिश्रा जी, अशोक भाटिया जी, विशाल जोशी, महेंद्र जोशी जी, राजीव रतन मिश्रा जी, सुरेंद्र मिश्रा जी, राम नारायण तिवारी जी, और संस्कार भारती प्रतिष्ठान के संस्कार हम सब को भुट्टी में पिलाने का जिस व्यक्ति ने प्रण लिया हुआ है, और उस प्रण को पूरा करने के लिए पता नहीं कितने श्रम की आवश्यकता होती है, वो श्रम करते हैं भाई अखिलेश मिश्रा जी,
एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बीआरसी के साइंटिस्ट लेकिन अपने समाज और संस्कार को बचा कर रखने के लिए उतने ही शिद्दत से प्रयास करने वाले भाई महेश मिश्रा जी, मैं बहुत लोग को पहचानता हूँ, पंचन झा को भी जानता हूँ। अगर मैं नाम लूंगा तो शुरू से लेकर अंत तक मैं नाम ही लेता जाऊंगा और आप लोग संजोली पांडे को नहीं सुन पा। हम लोग ये कार्यक्रम इसलिए भी करते हैं कि बचपन में मेरे पिता जब भी मंदिर में लेकर जाते थे तो उस जमाने में 10 पैसे हाथ में देकर कहते थे कि ईश्वर के चरणों में अर्पित कर। मैं अक्सर सोचता था कि ये पैसा जो पिताजी मुझे दे रहे हैं ये पैसा वो खुद भी चढ़ा सकते थे, लेकिन वो दूसरा कुछ पैसा चढ़ाते थे, वो 10 पैसा मुझे देते थे कि मैं चढ़ाऊं। कालांतर में मुझे समझ में आया कि वो पैसा नहीं चढ़वाते थे, मेरे अंदर एक आचरण डाल रहे थे कि आपके पास जो कुछ है वो ईश्वर के चरणों में अर्पित है। यही आचरण लोग विधाते हम सब डालने की कोशिश कर रहे हैं। संजोनी जिस उम्र में आज ये गीत गा रही हैं, उस उम्र में बच्चे खेलते हैं, घर में रहते हैं, अपने करियर को बढ़ाते हैं, लेकिन वो अन्य बच्चों में संस्कार डाल के करियर के साथ साथ एक अच्छा भारतीय नागरिक बनने को भी संकल्प दिला रही है। गांव गांव घर घर घूम घूम कर अयोध्या से मुंबई आई और मुंबई से हम सब के साथ पिछले कई दिनों से कभी बिलाव, कभी डोंबिवली, कभी दीवा, कभी 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर की यात्रा करके रोज जाना, उनके बीच में गाना गाना और प्रफुल्लित मन से, मन उनका आहत होता है तो वो मुझे शराबती है लेकिन आप सबको खुशियां बांटते हैं। आप सबको आपके गांव जवाब लेके जाती हैं। मैं आपका सार्वजनिक रूप से संजली जी अभिनंदन करता हूं कि आप अपने भीतर की तकलीफ को पिछले 3-4 दिनों से वो बहुत बीमार हैं। हम उनसे पूछा कि हमें तो कतर से बीमार नहीं दिखा था, लेकिन बुखार भी था तब भी वो कहरी गा रही थी और अब भी उतने ही तन्मयता के साथ वो लोक गीतों की लोक संस्कृति की ये बहार को जीवित रख रही हैं, पुष्पित पल्लवित कर रही हैं, आप सबके बीच में गीतों को प्रस्तुत कर रही हैं। भाई महेश मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, उनकी पूरी टीम अशोक भाटिया और उनके सभी साथी जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हो गए हैं। और किरण भाई मैं देख रहा हूँ दिन भर दिन बहनों की संख्या बढ़ रही है गुरुजी जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वसई जैसे जगह पर आपने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है तो एक बार मैं आप सबको, आप सब की तरफ से भाई महेश मिश्रा को, अखिलेश मिश्रा को, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह प्रतिवर्ष संस्कार का, ये संस्कार भारती सिर्फ नाम नहीं है बल्कि संस्कार आप सबके बीच में दे रहे हैं, जिसमें किरण भोई भोजपुरी बोलते हैं और संजोली जय जय महाराष्ट्र माझा गाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही कल्पना करते थे कि दो राज्यों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, हम मराठी बोले और मराठी भोजपुरी बोले, एक दूसरे की भाषा का आदर करे, यही थे भारतीय जनमानस और प्रेरित होगा और एक देश पूरी दुनिया का सिरताज बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। अगले जी, हर साल आप कजरी महोत्सव मनाते हैं, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? पिछले 13 सालों से संस्कार भारती प्रतिष्ठान कजरी का हर वर्ष कार्यक्रम करते रहता है, जो सावन माह में प्रथम या द्वितीय सप्ताह में होता है। कजरी के कार्यक्रम में महिलाओं को हम लोग अपने संस्था की तरफ से बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, मेहंदी और झूला और गजरा दे के उनको उनके खुशियों में एक नया उमंग लाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश से अयोध्या से संजोली पांडे करके कजरी किंग आई थी, उन्होंने अच्छा गाया और अच्छा लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया और उत्साह उमंग में उन्होंने लोगों ने नाच गाने और ढेर सारे उन्होंने अपना किया। उसके बाद लोगों ने भोजन स्वादिष्ट भोजन का भी लाभ लिया। कितने लोग आए होंगे यहाँ? कम से कम 450 लोगों ने कम से कम इसका लाभ लिया। और हर साल होता है ये कार्यक्रम, इस साल भी हुआ और लोगों ने हमारी उत्साह से महिलाओं ने ज्यादा करके इसमें सहभागी हुए। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।